क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज हम लोग की 5.5। अच्छा मेनली ना कंफ्यूजन तब आती है कि लॉग कब अप्लाई करना है। ऐसे तो लॉग के क्वेश्चन कर रहे ना तो माइंड पे आ जाता है कि अच्छा लॉग लेके हो जाना है, तो ऐसे जब एग्जाम में आते तो कंफ्यूजन होती है। तुमने देखना है कि अगर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल होगा, वेरिएबल समझते हो अर्जुन, जैसे एक्स आ गया वाई आ गया वेरिएबल, तो लॉग एक्स वेरिएबल हुआ ना एक्स का, और उसके ऊपर देखो सिर के ऊपर क्या है कोसाइन। अगर इस तरह का वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो, ठीक है, या कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल हो, कांस्टेंट मतलब 5 रेज टू पावर कॉस एक्स आ गया कांस्टेंट के ऊपर, तो फिर ये हम लोगों का लॉग लेकर सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्या रखना है बातें, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड से पहले आप लोगों को लेट करना पड़ेगा। मान लो लेट y इज इक्वल टू क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, फिर आप लोग क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग जैसे लोगे तो क्या बन गया, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब देखने वाली बातें आ रही थोड़ी, लॉग ऑफ और ये सारा क्वेश्चन log x raised to power cos of x। अब बेसिक एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि log m raised to power n क्या होता है, तो वो होता है m log m, जिसका मतलब जो पावर होती है वो इधर आ जाती है। ठीक है, तो इधर भी जरा वैसा ही होने वाला है, log of y और ये जो पावर है ये इधर आ जाएगी, तो क्या बन गया cos of x log ब्रैकेट में log लग रहा ना, पता जिधर पता लगेगा बोल देना। देन आप लोग अगर अब देखोगे तो अब आप लोगों का ये फंक्शन बन गए हैं दो, फर्स्ट फंक्शन और ये क्लियर है, तो अब आप लोग इसका जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, लॉग वाई का डेरिवेटिव होता है वन ओवर वाई, फिर आप लोग वाई का भी डेरिवेटिव करते हैं जो होता है डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, और फिर इधर आप लोग यू भी लगाओगे, और यू भी फॉर्मूला ना पता हो तो देख लो, यू भी दो फंक्शन अगर उनका डेरिवेटिव करना हो तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो आप लोग क्या करोगे कॉस ऑफ एक्स एज इट इज, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अब देखना जरा लॉग लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन ओवर लॉग एक्स, सुनते रहना जरा, पहले इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं ना हम लोग सारे का, तो log log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, तो वैसे ही log और ये इधर log x है, जैसे इधर x है तो नीचे x आ गया, इधर log x है तो नीचे क्या आ गया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड पे क्या है 1 ओवर log x, फिर log x का भी डेरिवेटिव होगा और जो होगा 1 ओवर x, समझना जरा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, तो सेकंड है log log ऑफ x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos x का क्या होगा माइनस sin x, लग रहा पता, तो ये क्या बन गया 1 ओवर y और dy ओवर dx को मैं y डैश लिख सकता हूं, तो ये आप लोगों का बन गया इधर से देखो cos ऑफ x ओवर x log x और ये माइनस मैंने कर लिया, ठीक है, और साइन एक्स को पहले ले लें साइन ऑफ एक्स लॉग लॉग एक्स, बोलो क्लियर है बातें। अच्छा नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इधर वन ओवर वाई वाई डैश का मतलब होता है dy ओवर dx, आपको कैलकुलेट तो सिर्फ dy ओवर dx करना होता है, वन ओवर वाई एक्स्ट्रा है तो वन इस y को इस तरफ ले जाओगे क्योंकि ये डिवीजन पे है, तो इस तरफ जैसे जाएगा तो क्या हो जाएगा सारे के साथ ही मल्टीप्लाई पर जाएगा, क्लियर है बात, तो फिर इससे नेक्स्ट क्या बन गया, इससे नेक्स्ट क्या बन गया y डैश का मतलब dy ओवर dx ही, dy ओवर dx y y क्या था क्वेश्चन, ये देखो y इज इक्वल टू क्वेश्चन लिख दो दैट इज log ऑफ x और raised to power cos of x और ब्रैकेट के अंदर ये सारा क्या है cos x ओवर x log x cos of x ओवर x log x माइनस sin of x और log log cos x log log x log log x और ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा, क्लियर है क्वेश्चन, अगर देख लो कुछ डाउट है तो बोल सकते हैं। देन आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फोर,
और एक्सरसाइज है 5.5। तो इस क्वेश्चन में देखो आप लोग कि फंक्शन ना माइनस लगा, बीच में माइनस लगा हो, प्लस लगा हो, है ना, तो आप लोगों को उन दो फंक्शनों के दो क्वेश्चन बना देने चाहिए। कैसे आप लोग देखिए, लेट इसको वाई बोल दिया, ठीक है ना, और इसको क्या कर दिया हियर, या टेक कर सकते हो आप लोग, टेक यू इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एक्स, और दूसरे को भी मान लो v इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर साइन एक्स, क्लियर है। तो इसका आप डेरिवेटिव करना, तो इसके लिए क्या करना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या बन गया, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेस टू पावर x, ठीक है, और इधर से क्या y की इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू इसको क्या माना हम लोगों ने u, u ना, तो इसको मैं u लिख दूंगा, और इसको क्या माना v, तो माइनस v कर दिया। कैलकुलेट क्या करना होता है, dy ओवर dx, इसका मैं डेरिवेटिव करूं तो क्या बन गया, dy ओवर dx इज इक्वल टू du ओवर dx माइनस dv ओवर dx, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं आई है। अब u को 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि u फंक्शन इसके इक्वल है x के, ठीक है, तो कांस्टेंट नहीं है, और सेम वे से v को भी 0 इसलिए लिया क्योंकि v भी वेरी किस फंक्शन के इक्वल, ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। तो अब हम लोगों को dy ओवर dx कैलकुलेट करने के लिए du ओवर dx कैलकुलेट करेंगे, जो हम लोगों को इधर से मिलाना है, ठीक है, और dv ओवर dx कैलकुलेट करेंगे जो इधर से मिलेगा, और उसकी वैल्यू डाल देंगे। अब u du ओवर dx कैलकुलेट करने के लिए सेम देखो, क्वेश्चन कुछ नहीं, छोटे-छोटे दो क्वेश्चन बन गए, इसका log ले लिया, log u = log x / rx, फिर अगला स्टेप क्या होगा, log ऑफ u, और ये पावर आ जानी इधर, ठीक है ना, पिछले पे भी किया हम लोगों ने। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो जैसे log u के डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 1 ओवर u, और u का du ओवर dx, अच्छा इधर फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन बन गए, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, लग रहा है पता, रोमी को क्लियर हो रहा है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, log x का 1 ओवर x, log of x as it is and derivative first one। अच्छा फिर क्या करेंगे आप लोग, du over dx extra क्या u इस तरफ लेंगे, और x से x कट गया तो क्या बचा, 1 plus log x into 1 is log of x, अच्छा u क्या था, u था question ये x raised to power x और 1 plus log of x, तो एक काम आप लोगों का हो गया, du over dx आ गया, जो आप लोग इधर put कर सकते, सेम वे से आपको dv ओवर dx कैलकुलेट करना है, तो फिर से क्या करोगे, टेकिंग log बोथ साइड, तो ये क्या बनेगा, log of v is equal to sin of x log 2, इसमें तो कंफ्यूजन आ गई, ये क्या कर दिया, क्योंकि log बोथ साइड जैसे लेंगे ना तो क्या बनेगा, log of v is equal to log of 2 raised to power sin x, तो पावर इधर आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दो, तो v का log v का 1 over v, फिर v का डेरिवेटिव dv over dx, अच्छा इधर वेरिएबल नहीं है और log 2 कांस्टेंट है, log 2 as it is, और sin का डेरिवेटिव cos of x, लग रहा ना पता, अगर log 2x होता तो आप लोग u भी लगाते, अच्छा, लेकिन इधर तो log 2 है जो कांस्टेंट है, 5 हो 10 हो वैसे ही log 2 कांस्टेंट वैल्यू, log 2 as it is आ गया और वेरिएबल का डेरिवेटिव आ गया cos of x, इधर से dv ओवर dx ले लिया, dv ओवर dx ले लिया और इक्वल टू v चला गया, और ये क्या बन गया, log of 2 cos of x, तो बन गया देखो dv ओवर dx, और v की वैल्यू 2 raised to power sin of x, और ये बन गया log of 2 cos of x, तो आपके पास देखो dv ओवर dx की वैल्यू भी आ गई है। तो आप लोग क्या बोलोगे, put value of dv ओवर dx and dv over dx in equation 1, so equation 1 will becomes dy over dx is equal to x raised to power x 1 plus log of x or minus ka minus aur fir dv ke liye 2 raised to power sin of x bracket mein log of 2 cos of x jo aap logon ki value aa jayegi dy over dx ki jo hum logon ka question tha, clear hai, kisi ko doubt hai तो फिर वो पूछो। देन है तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5।
एक्स प्लस थ्री स्क्वायर डॉट एक्स प्लस फोर क्यूब एक्स प्लस फाइव फोर। तो आप लोगों को क्या करना है, फिर से मल्टीप्लीकेशन में है और पावर्स है, ठीक है। तो आप लोगों को y लेना पड़ेगा, लेट इधर ही कर लेते हैं इस पर, लेट y इज इक्वल टू टेकिंग क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट स्टेप टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या होगा log ऑफ y इज इक्वल टू log, अब जरा देखना क्वेश्चन, x प्लस थ्री स्क्वायर फिर x प्लस फोर क्यूब फिर x प्लस फाइव फोर। अब आप लोग देखो ये सारे मल्टीप्लीकेशन में, फॉर्मूला क्या लगेगा, log mn इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, क्लियर है ना बात ये। तो क्या बन गया, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस थ्री स्क्वायर फिर प्लस आ गया log ऑफ x प्लस फोर क्यूब प्लस log ऑफ x प्लस फाइव फोर, क्लियर है सबको, क्लियर है बात है। सर सर लोग m n भी तो लगा सकते हैं, log m पावर n, तो नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, log x प्लस थ्री स्क्वायर आ गया, अब आप लोग लगाओ log m रेज टू पावर n, तो आप लोगों का क्या बनेगा, log of y is equal to 2 log x plus 3, फिर आ गया 3 log x plus 4, पावर जो है वो इधर आ गया, और 4 log x plus 5, फिर आप लोग डेरिवेटिव कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो 1 over y, और ये बन गया dy over dx, क्योंकि log y का वो 1 over y, फिर y का dy over dx, फिर आ गया equal to 2 log का क्या आ गया 1 over x प्लस थ्री, ठीक है, और नेक्स्ट का क्या आ गया 3 ओवर x प्लस 4, और से नेक्स्ट का क्या आ गया 4 ओवर x प्लस 5। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे बोल रहा हूं, मान लो इधर होता 2, तो क्या होना था 2 ओवर 2x प्लस 3, फिर 2x और आना था इधर, पता नहीं बात, छोटी छोटी बातें ही माइंड में रखना। तो देन नेक्स्ट आप लोगों को सिर्फ dy ओवर dx कैलकुलेट करना होता है, तो y इस तरफ लेकर जाओ, तो ये सारा y इस तरफ जाएगा, तो मैं इधर ही कर रहा हूँ इसको, ये y इस तरफ गया, तो क्या बन गया, सारे के साथ मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है, x प्लस थ्री स्क्वायर डॉट x प्लस फोर क्यूब डॉट x प्लस फाइव फोर, और ब्रैकेट स्टार्ट की तो 2 ओवर x प्लस 3, 3 ओवर x प्लस 4 और 4 ओवर x प्लस 5, लग रहा पता। तो ये आप लोगों का आंसर बन चुका है dy ओवर dx का, ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर है 6, एक्सरसाइज है 5.5। क्वेश्चन में फिर से आप लोग देखो x प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर x प्लस लगा हुआ और एक और फंक्शन आ गया, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो हर क्वेश्चन की तरह लेट y इज इक्वल टू दिस, और इसमें u मान लेना है, देखो x प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर x को, और दूसरी तरफ इसको मान लो v इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1 प्लस 1 ओवर x, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, y इज इक्वल टू ये u माना ये v माना, फिर क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, तो क्या बन गया dy ओवर dx इज इक्वल टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx, तो ये बन गई आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट काम क्या हो, u और v का डेरिवेटिव करके इसमें लिखना, तो इधर से u du ओवर dx मिल जाएगा, इधर से dv ओवर dx मिल जाएगा, तो दो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे एक और दो। तो आप लोग log ले लो, फिर से log क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल बैठा है, इधर भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, या कॉन्स्टेंट के ऊपर वेरिएबल हो तो भी हम लोग log लेते हैं, तो log लिया तो बन गया log of u, और देखो log जैसे लेते हैं पावर आ जाती है, अब इतना तुम लोग समझ गए होने कि ये x में पहले लिख लूंगा और log of x plus 1 over x, क्लियर है ना ये बात, ये पावर नीचे आ गई, फिर क्या करोगे 1 over u du over dx, और इधर इस बार देखो u भी लगेगा क्योंकि ये भी x का ये भी x का है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, आप देखना जरा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी इसके अंदर ये log के आगे आ गई नीचे आ गई, पर अभी x इसका भी होगा, x का क्या आ गया 1 और 1 ओवर x कितना हुआ, देखो x की जगह -1 हुआ, x का डेरिवेटिव 1
प्लस का आ गया प्लस, और इसका मतलब क्या x रेज़ टू माइनस वन, वन ओवर x का मतलब हुआ पावर ऊपर ले जाए तो माइनस वन, इसमें तो नहीं कंफ्यूजन है। तो फिर आप लोग इसका क्या करोगे, डेरिवेटिव तो क्या एन एक्स एन माइनस वन विच इज माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बन गया माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव कितना आ गया वन ओवर एक्स का माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। कंफ्यूजन तो नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्स रेज़ टू माइनस वन बना तो एक्स रेज़ टू पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स एन माइनस वन, तो एन आ गया नीचे एक्स एन माइनस वन, ये बन गया माइनस 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 टू बन गया तो विच इज माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, नीचे करते तो पॉजिटिव चला जाए। तो ये होता है डेरिवेटिव, ठीक है, वन ओवर एक्स का, वो इंटीग्रेशन होती है आप लोग बोल रहे वन ओवर एक्स की लॉग एक्स। तो फिर इससे आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लॉग का हुआ, फिर वन सारे का होगा, अब प्लस आया सेकंड फंक्शन एज इट इज, ये है सेकंड फंक्शन log of x plus 1 over x, ये है सेकंड फंक्शन सारा, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का 1, क्लियर है बातें। तो फिर आप लोग u इस तरफ ले जाओगे तो बन गया du over dx, और u का मतलब होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है x plus 1 over x raised to power x bracket start, और ये आप लोग देखें, देखो इधर थोड़ा सा काम करते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं x square plus 1, x square plus 1, और नीचे x आएगा उसको ऊपर ले जाए तो x square बन गया, हाँ नीचे x square आएगा ना, ये नीचे x आएगा ना इधर, तो इधर x आएगा और वो x ऊपर जाएगा तो x into x x square, इस टाइप आया हो अच्छा। और इधर देखना जरा, इसको इधर करें तो क्या बन गया x square minus 1 over x square, और इसको लिखना चाहे तो क्या बन गया x square plus 1 over x, बोलिए डाउट तो चला हुई, ये देखो एक्स स्क्वायर से आ रही बात समझ कि नहीं आ रही है, बोलो ये देना देखना कंफ्यूजन इनको, ये एक्स का एक्स आ गया, इसका एलसीएम लिया तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नीचे एलसीएम पे जो एक्स आ रहा था इधर देखो, इधर एक्स स्क्वायर बना था, इधर एलसीएम पे एक्स आ रहा था, ये एक्स फिर ऊपर गया तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन गया, और इस पे देखे तो क्या है x के अंदर आ गया माइनस वन, और नीचे पूरे से x square आ गया, पर x square से x square कट गया। तो आप लोगों का du over dx की अगर बात करें तो क्या बन गया x plus 1 over x raised to power x, और ये बन गया x square minus 1 over x square plus 1, और ये बन गया आप लोगों का log of x square plus 1 over x close। तो ये आप लोगों का du over dx की वैल्यू आप लोगों की आ चुकी है, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आप लोगों का dv over dx भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लियर है ना सबको इतना। तो देन फिर आप लोगों का v आ गया, तो v का क्या करने वाले, फिर से v के लिए भी टेकिंग log both side, तो क्या किया log of v, और ये पावर आप लोगों को पता लग गया होगा, पावर नीचे आ जाती है इस तरह से, और log x है ना, तो log v का 1 over v dv over dx, और इधर एक बार फिर से देखें, फर्स्ट फंक्शन ये है ये, और सेकंड फंक्शन ये है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का 1 ओवर x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 का 0 1 ओवर x का माइनस 1 ओवर x का, अभी किया ये देखो 1 ओवर x का किया था माइनस 1 ओवर x का, ठीक है जी। तो v इस तरफ जाएगा तो क्या बन गया dv ओवर dx, ये v इस तरफ ले गए, और इसको थोड़ा अरेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, इधर क्या आ गया x plus 1 और नीचे x into x x square, और इधर ये माइनस आउट आ गया माइनस 1 ओवर x square log of x, और इसको ऐसे कर दें, तो v की वैल्यू आप लोग इस पे डाल दें, तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है ये x raised to power 1 plus 1 over x, कंफ्यूजन तो चलिए कोई, और ये सारा क्वेश्चन आ गया x plus 1 over x square minus log of x over x square, ठीक है जी। तो ये आपकी वैल्यू आ गई dv over dx की, अब आप लोगों को एक स्टेप बच रहा है जो आप लोग खुद करोगे, क्या करोगे dy over dx, देखो du over dx की जगह ये सारी वैल्यू लिख दोगे, ठीक है, प्लस dv over dx की जगह ये dv over dx की वैल्यू लिख दोगे, और आप लोगों का आंसर बन जाएगा, ठीक है। डन आता है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, और
इसको फिर से वही है यू और वी आप लोग मान लें आपका आंसर आएगा वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी फिर क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स सॉल्यूशन है लेट कर लिया आपने मान लिया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स आपके काम क्या आ गए दो डी यू ओवर डी एक्स पता करना दूसरा डी वी ओवर डी एक्स पता करना तो यू क्या है इसको यू मान लो ठीक है जी लेट यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू पावर एक्स और वी की अगर बात करें तो वी इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर लॉग एक्स बोली जी डाउट वही तो फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग ऑफ यू और थोड़ा इजी करने के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं लॉग ऑफ लॉग एक्स ऐसा मेरे को लग रहा है ऐसा ही फंक्शन आपकी डीएम में सॉल्व और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा वन ओवर यू डी यू ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ठीक है पहले लॉग क्या गया जो भी हो डिवीजन पे आ गया फिर लॉग एक्स का फिर से हुआ तो वन ओवर एक्स आ गया फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ठीक है जी तो एक्स से एक्स कट गया x से x कट गया तो आपका क्या आ गया du ओवर dx और देखो u इस तरफ गया व्हिच मींस क्वेश्चन आ गया मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूं इसका ठीक है क्योंकि अब काफी क्वेश्चन हो गए क्लियर हो गई होंगी बातें और ये आ गया 1 ओवर log ऑफ x प्लस log ऑफ log x और ब्रैकेट क्लोज तो आपका du ओवर dx की वैल्यू आपकी आ चुकी है ठीक है du ओवर dx का देन आप लोगों का v आप वाली टर्म देखो तो इसमें फिर से हम लोग लॉग लोगे लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स एंड लॉग एक्स आ रही बात समझ इसमें इतनी डाउट आया लॉग एक्स एंड लॉग एक्स बन गया क्योंकि लॉग एक्स ऊपर था नीचे आया तो वन ओवर वी डी वी ओवर डी एक्स अच्छे इधर क्या कर सकते हो फिर से यू भी दो फंक्शन भी ले सकते हो या लॉग एक्स का होल स्क्वायर भी ले सकते हो मैं दो फंक्शन से कर देता हूँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड का करें प्लस सेकंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन बाय एक्स लग रहा पता फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और ये ओवरऑल देखें तो क्या बन गया टू टाइम्स बन गया टू टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स ठीक है और ये क्या बन गया डी वी ओवर डी एक्स और वी इस तरफ गया तो क्वेश्चन क्या है एक्स रेज टू पावर log x तो ये आपकी dv ओवर dx की हो गया है जरा इधर एक चीज देखना log x की जरा देख लो इधर log x की मैंने डेरिवेशन कैसे करवाई फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट या इसके अलावा log x * log x को मैं log x स्क्वायर लिख सकता हूं लिख सकते हैं ना दो बार है तो मतलब अब इसका डेरिवेटिव करना हो तो x रेज़ टू पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x मतलब ये पावर नीचे आ गई 2 log x आ गया फिर log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 by x बात आ रही समझ तो व्हिच मींस ये सेम ही बात है ऐसे चलो देखो तो 2 log x ओवर x या तो ऐसे आ जाओ या ऐसे आ जाओ बात तो एक ही है डाउट तो नहीं चला किसी को तो अभी एक बात और सुन लो बस फिर क्वेश्चन कंप्लीट है सिर्फ सुननी है बात को क्योंकि करना तुमने तो ये क्या बन गया du ओवर dx की वैल्यू ये आ चुकी है dv ओवर dx की वैल्यू ये आ चुकी है अब क्या करना है पुट वैल्यू ऑफ du ओवर dx एंड dv ओवर dx इन इक्वेशन 1 सो यू विल गेट dy ओवर dx तो आपको dy ओवर dx की वैल्यू मिल जाएगी जैसे आप लोग du ओवर dx और dv ओवर dx की वैल्यू पुट करोगे क्लियर है बात डाउट है तो पूछो देन क्वेश्चन नंबर आता है 8th एक्सरसाइज है 5.5 और फिर से क्वेश्चन सिंपल है आप लोगों को करना क्या है लेट y इज इक्वल इसको ले लो u इसको ले लो v और अब आप लोग समझ गए होंगे y इज इक्वल टू u प्लस v तो लेते थे फिर इसका डेरिवेटिव कर देते थे विद रिस्पेक्ट टू x तो बनता था dy ओवर dx और अगला बनता है du ओवर dx और अगला बनता है dv ओवर dx तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन का बेसिक सा पार्ट अब आप लोगों का काम है u U क्या है U है साइन ऑफ x रेज टू पावर x और V क्या है V है साइन इनवर्स रूट x देखो इधर लॉग लेने के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं इधर लॉग लो
तो आप लोगों ने क्यों, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, इधर ऐसा कुछ नहीं है वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, तो इस साइड लॉग नहीं लेंगे, इधर लॉग लिया जाएगा। तो लॉग लिया तो लॉग ऑफ यू, और ये पावर नीचे आती है तो लॉग ऑफ साइन एक्स। तो अब आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, आगे चलेगा इधर कुछ नहीं आना है, वन ओवर यू और यू का डी ओ डी एक्स इधर आएगा, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स प्लस सेकंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज वन। तो डी यू ओवर डी एक्स की अगर बात करें तो यू क्या इस तरफ, और यू क्या है साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स, तो ये क्या बन गया एक्स कॉस ओवर साइन, कॉट भी ले सकते हैं कॉट ऑफ एक्स, और इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ साइन एक्स, और ये आप लोगों का 50% काम हो चुका है, डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, इसमें किसी को कंफ्यूजन। देन हम लोगों का आता है ये, तो इधर आप लोगों को लॉग नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल नहीं है या कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल नहीं है, इस करके डायरेक्ट करें तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन गया डीवी ओवर डीएक्स। अब बात आती है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, अब इसको देखो इसका क्या होगा, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है रूट एक्स का स्क्वायर कितना होगा एक्स, आई बात समझ, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 4x हो तो क्या होगा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 4x का स्क्वायर, तो अगर रूट एक्स हो तो रूट एक्स का स्क्वायर, और रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्स, आई बात समझ। अच्छा पर बात इधर खत्म नहीं हुई है, बात थोड़ी और आगे चलेगी, रूट एक्स का तो कितना होगा 1 ओवर 2 रूट एक्स, पता नहीं बात, याद कर लो इसको, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 रूट एक्स। तो ये आप लोगों का बन गया काम, काम बन चुका है, करना क्या होगा, पुट वैल्यू ऑफ डी यू ओवर डी एक्स एंड डी वी ओवर डी एक्स इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ये सारा आ जाएगा, सारा क्या आ रहा, साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट स्टार्ट एक्स कॉट ऑफ एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है जी, प्लस डी वी ओवर डी एक्स, ये बन गया देखो 1 ओवर 2 रूट ऑफ एक्स को आप लोग इधर रख भी सकते हैं, अगर चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है, 1 माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप लोग चाहो तो इस रूट एक्स को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स बन जा रहा है माइनस एक्स स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, ये सारे आंसर की बातें हैं कि कौन आंसर कैसे दिया हुआ है। देन है क्वेश्चन नंबर 9, और 9 क्वेश्चन बोल रहा है y is equal to x raised to power sin x and sin x raised to power cos x, फिर से वही बातें हैं, इसको क्या करना पड़ना y is equal to u plus v, फिर क्या करना पड़ेगा dy over dx is equal to du over dx plus dv over dx, तो पिछले क्वेश्चन भी सारे इसी तरह के किए, u क्या मानेंगे u इसको मान लो, तो u कितना आ गया x raised to power sin x, log ले लो log of u sin of x log of x, क्लियर है ना बातें, क्योंकि log m raised to power n बनेगा and log m, then फिर differentiate करें with respect to x, so ये बन गया du over dx, 1 over u du over dx, first function as it is, derivative of second plus second as it is, derivative of first sine का cos of x, अच्छा तो du over dx क्या आ गया, u ले गए इस तरफ और u क्या था x raised to power साइन ऑफ एक्स, और क्वेश्चन जो ऊपर बना है एज इट इज ही इसको लिख दें कॉस ऑफ एक्स, कॉस एक्स इधर पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है चाहे आगे लिखो बात है, पर याद रखना ये एंगल सिर्फ यही है, कॉस ऑफ एक्स अलग चीज है, समझ आ रही है बात, तो आप लोगों का 50% कंप्लीट, डी यू ओवर डी एक्स आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, नेक्स्ट आएगा डी वी ओवर डी एक्स, तो वी अज्यूम करना पड़ेगा, लेट वी इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर कॉस ऑफ एक्स, देखो इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे कि साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो भी आप लोग देखते रहो, तो क्या बन गया लॉग ऑफ बी, क्या बन गया कॉस ऑफ एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, चलो देख लो, फर्स्ट डी वी ओवर डी एक्स इतना तो क्लियर है, कई बार कर चुके,
इधर इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज 1 ओवर sin x, फिर sin का फिर से करोगे दैट इज cos x प्लस सेकंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज माइनस sin x. तो जी dv ओवर dx ये भी गया इस तरफ, तो क्वेश्चन बन गया. तो क्वेश्चन को आप लोगों ने लिख दिया इस साइड, और क्वेश्चन के साथ b के साथ ये सारा मल्टीप्लाई होगा. तो आप लोग cos square भी कर सकते हो या cos over sin cot भी ले सकते हो, आपके ऊपर है. तो cos square कर रहा हूं मैं, तो बन गया cos square x over sin of x, और इसको पहले लिख लो माइनस sin of x log of sin x, और ये बन गया आप लोगों का आंसर, ठीक है. तो dv over dx की वैल्यू आ गई, du over dx की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, इस पर dy over dx is equal to du over dx plus dv over dx, जो इक्वेशन है इस पर आपको du over dx की वैल्यू इधर से इधर लिखनी पड़ेगी, ये सारी उठाकर सारा आपने इधर लिख देना, ये सारा समझ गए ना ये बात, इधर से उठा के इधर डाल दो, और ये dv over dx भी क्या करना है, ये सारी वैल्यू इधर डाल दो. क्लियर है क्वेश्चन? तो फिर आप लोगों का आंसर आ जाएगा. क्लियर है?